परिक्रमण और एक परिभ्रमण, रोटेशन और रिवोल्यूशन। अब परिक्रमण गति जिसको अपन कहते हैं वार्षिक गति, और परिभ्रमण गति अपन कहते हैं दैनिक गति। अब दिन रात का बनना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये सब चीजें किसके कारण मानी जाती है? पृथ्वी के ग्रहीय संबंध के कारण मानी जाती है। तो पृथ्वी स्वयं परिक्रमण और परिभ्रमण गति के रूप में क्या मानी गई है? अस्थिर या गतिशील मानी गई है। दूसरा सौर शक्ति। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी अपन एग्जांपल की बात भी की थी कि पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का, क्योंकि सौर परिवार का जो मुखिया है वो किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है। अब सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है जिसको अपन सौर ऊर्जा कहते हैं, सूर्य ताप जिसको कहा जाता है, उस सौर्य ऊर्जा की प्राप्ति जो धरातल को होती है, जो पृथ्वी को होती है, वो भी परिवर्तनशील होती है। कैसे? कि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, दक्षिणायन होती है। उत्तरायण अपन कहते हैं कि जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में हो, दक्षिणायन अपन कहते हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण में। जब सूर्य उत्तरायण होता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होता है, तो उत्तरी गोलार्ध को ताप की प्राप्ति क्या होती है? अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ताप की प्राप्ति क्या होगी? अधिक होगी। दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल विपरीत होगा, सूर्य की किरणें क्या होंगी? तिरछी होंगी, और सूर्य की किरणें तिरछी होंगी तो ताप की प्राप्ति क्या होगी? कम होगी। ये तो बात होगी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की। इसी को यदि दूसरे रूप में अपन देखें कि जब सूर्य प्रातः काल के समय जब उदय होता है, तो जब सूर्य उदय होता है उसमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो ताप की प्राप्ति धरातल को कम होती है, चाहे वो उत्तरायण हो चाहे वो दक्षिणायन। दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो धरातल को ताप की प्राप्ति अधिक होती है, और सायंकाल के समय जब सूर्य किरणें वापिस तिरछी पड़ती हैं, तो ताप की प्राप्ति कम होती है। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है तो सूर्य की किरणों का सीधापन तिरछापन भी गतिशील होगा, उसमें भी क्रियाशीलता होगी, उसके साथ धरातल को प्राप्त होने वाला जो ताप है वो भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो सूर्य ताप है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो भी उसकी स्थिति के कारण या सूर्य की किरणों के कारण परिवर्तनशील रहती है। तीसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। अभी अपन ने बात भी की थी कि पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के कारण धरातल पर परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन की क्रिया दो रूपों में होती है, एक तो होती है आकस्मिक परिवर्तन और एक होता है दीर्घकालिक। आकस्मिक जैसे अपने का भूकंप की क्रिया हुई, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, हिमस्खलन हुआ, भूस्खलन हुआ, उससे धरातल पर परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन की क्रिया क्या होती है? कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में धरातल पर दृष्टिगत हो जाएगी। एक होता है दीर्घकालिक परिवर्तन। अब दीर्घकालिक परिवर्तन क्या होगा कि धरातल के किसी भाग में उत्थान की क्रिया होगी, किसके कारण? अंतर्जात बलों के कारण। धरातल पर परिवर्तन करने वाले जो बल है या धरातल के निचले भाग से क्रियाशील वे बल जिनका प्रभाव धरातल पर दृष्टिगत हो, उन्हें अपन अंतर्जात बल कहते हैं, आंतरिक बल, आंतरिक शक्तियां जिसको अपन कह सकते हैं। तो वो आंतरिक शक्तियों से धरातल पर क्या होगा? परिवर्तन होगा। कैसे होगा? कि अंतर्जात बलों के कारण धरातल के किसी भूखंड का किसी भाग पर उत्थान की क्रिया होगी, उत्थान के साथ साथ उसका पूर्ण विकास होगा। जैसे पर्वत निर्माण की क्रिया है वो अंतर्जात बलों का, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव का परिणाम माना जाता है। अब जब उत्थान होने के बाद धरातल पर एक नई क्रिया प्रारंभ होगी, अपरदन की क्रिया। अब वो अपरदन वायु के द्वारा भी हो सकता है, वो वहां की भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करेगा, जल के द्वारा हो सकता है, भूमिगत जल के द्वारा हो सकता है, वो सागरीय लहरों के द्वारा हो सकता है। तो धरातल पर अपरदन की क्रिया प्रारंभ होगी, और उस अपरदन के फलस्वरूप वो उत्थित भूखंड वापिस किसमें परिवर्तित होगा? समतल मैदान में परिवर्तित होगा। और समतल मैदान के परिवर्तन की क्रिया के उत्थान हुआ, अंतर्जात बलों से विकास हुआ, उसके बाद में अपरदन प्रारंभ हुआ, वापिस वो उत्थित भूखंड समतल मैदान में परिवर्तित हो गया। तो ये आंतरिक जो शक्तियां हैं, अंतर्जात जो बल हैं, वो भी धरातल पर क्रियाशील अवस्था में माने जाते हैं। चौथा और अंतिम यहाँ पे अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति, प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है, आकर्षण क्षमता होती है, पृथ्वी में भी आकर्षण क्षमता है जिसको अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी फोर्स जिसको कहा जाता है, न्यूटन ने जिसकी खोज की थी। अब गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो भी धरातल पर परिवर्तित है। कैसे? कि पृथ्वी का केंद्र और पृथ्वी के दोनों ध्रुव,
यदि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की ओर बात करें तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो सर्वाधिक कहां पे है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कहां पे होगा, पृथ्वी के केंद्र पे होगा। और केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यदि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की यानी भूमध्य रेखा और दोनों ध्रुवों की तुलना करें तो ध्रुवों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक है, जबकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है वो कम है। पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, चपटाकार। और चपटाकार अर्थात दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी है वो चपटी अवस्था में है, धसी हुई अवस्था में है। उसका कारण किसको माना गया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी परिवर्तित है। तो भौतिक शक्तियों की यदि अपन बात करें तो पृथ्वी स्वयं परिक्रमण परिभ्रमण गति के रूप में गतिशील अवस्था में है। सौर शक्ति है वो गतिशील अवस्था में है। अंतरजात जो शक्तियां हैं, अंतरजात जो बल है वो गतिशील अवस्था में है। पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो स्वयं परिवर्तित या गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ पे इन चारों उदाहरणों से बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राकृतिक जो शक्ति है या निर्जीव जो तत्व है या जड़ जो तत्व है वो किस अवस्था में है, क्रियाशील या परिवर्तनशील अवस्था में है। जैसा अभी अपन ने बात की कि पृथ्वी ग्रह जो संबंध है, पृथ्वी परिक्रमण परिभ्रमण गति, दिन रात का बनना, ताप पेटियां, वायुदाब पेटियां। आंतरिक शक्तियों में अपन ने बात की आकस्मिक भूकंप है, ज्वालामुखी है, दीर्घकालिक पर्वत निर्माण की अपन ने बात की। सौर शक्ति तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, हिमपात, बादलों का बनना, आंधी तूफान का आना, दिन रात का बनना, वायुदाब में भिन्नता आदि, ये सभी क्रियाएं भी परिवर्तनशील है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल का निर्माण, पृथ्वी के धरातल के पास वायुदाब अधिक होना, यानी धरातल पर वायुदाब अधिक होगा, धरातल से ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब है वो भी क्रम से कम होता जाता है। फिर क्रियाशीलता में दूसरी शक्ति की अपन बात करें, जैविक शक्तियां। अब जैविक शक्ति जैसा अभी अपन ने बात भी की कि जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति, अब जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति भी किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, परिवर्तनशील अवस्था में है। कैसे कि प्राकृतिक वनस्पति जब धरातल पर अंकुरित होती है तो अंकुरित होने के बाद जब विकास होगा तो गहराई में उसकी जड़ों का विस्तार होगा। जड़ों का विस्तार होगा तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, सेल या चट्टानों से हुआ है। उस जड़ों के फैलाव के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग की शैलियां जो चट्टाने हैं उनमें दरारों का निर्माण होगा। दरार निर्माण के साथ साथ उन चट्टानों का उन चट्टानों में टूटने की क्रिया होगी, शैल कणों का निर्माण होगा। और कालांतर में वो क्रिया किसमें परिवर्तित हो जाएगी, अपरदन में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं जीव जंतु। जीव जंतु कैसे धरातल पर क्रियाशील रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं। जीव जंतु यानी वे जीव जंतु जो भूमि में बिल खोदकर निवास करते हैं, जब उनके द्वारा अपने आवास या बिल का जब निर्माण किया जाता है, गुफा का जब निर्माण किया जाता है तो चट्टानों को काटने की या कुरेदने की क्रिया होगी। चट्टानों को काटकर या कुरेदकर वो अपने आवास का निर्माण करते हैं और उस क्रिया के रूप में क्या माना जाता है, चट्टानों में क्रियाशीलता मानी जाती है, यानी धरातल पर परिवर्तन की क्रिया होगी। तो जैविक जो शक्तियां हैं जो किसके रूप में, जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति के रूप में, जो धरातल पर किसी न किसी रूप में परिवर्तन करते हैं। तीसरी क्रियाशीलता परिवर्तनशीलता के कारक की बात करें तो मानवीय शक्तियां, स्वयं मानव जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र भी है, स्वयं मानव किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, परिवर्तनशील अवस्था में है। मनुष्य या मानव स्वयं भूतल पर परिवर्तन करता है किसके रूप में, अपनी आर्थिक क्रियाओं के रूप में। चाहे मानव प्राथमिक आर्थिक क्रिया करता हो, खनन करता हो, कृषि करता हो, आखेट करता हो, वनों से कंदमूल फलों का संग्रह करता हो, चाहे द्वितीयक आर्थिक क्रिया जिसमें वो निर्माण की क्रिया, चाहे वो परिवहन मार्गों का निर्माण करे, चाहे औद्योगिक इकाइयों का निर्माण करे। तृतीयक आर्थिक क्रिया व्यापार जिसमें वो चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान करे। तो मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं के रूप में परिवर्तनशील है, वो धरातल पर परिवर्तन करता है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें तो वन काटना, वनों की कटाई, सड़क निर्माण, परिवहन मार्गों का निर्माण, खनन, अधिवास निर्माण, इन सभी के रूप में मानव स्वयं किस अवस्था में रहता है, गतिशील या परिवर्तनशील अवस्था में रहता है।
तो क्रियाशीलता की यदि अपन बात करें तो धरातल पर जो क्रियाशीलता है वो तीन शक्तियों के रूप में है, तीन कारकों के रूप में है। एक आपने कहा कि प्राकृतिक भौतिक शक्तियां, जिसको आपने कह दिया प्राकृतिक शक्तियां, दूसरा आपने कहा जैविक शक्तियां, और तीसरा आपने कहा मानवीय शक्तियां। और इन तीनों शक्तियों के रूप में, इन तीनों कारकों के रूप में मानव है वो क्रियाशील माना जाता है, परिवर्तनशील माना जाता है। और जैसा जैन गुरु ने कहा भी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि धरातल की प्रत्येक वस्तु या तो घट रही है या बढ़ रही है, यानी कोई भी वस्तु किस अवस्था में नहीं है, स्थिर अवस्था में नहीं है। और जैसा फ्रेडरिक रेटजेल ने बहुत अच्छी बात कही कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार अपन जो बात करना चाह रहे थे, और मूल रूप से सार की यदि बात की जाए तो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि धरातल की प्रत्येक वस्तु है वो परिवर्तनशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, कोई भी तत्व स्थिर अवस्था में नहीं होगा, चाहे वो भौतिक शक्ति हो, चाहे वो जैविक शक्ति हो, चाहे वो मानवीय शक्ति हो। इसके साथ अपना मानव भूगोल का ये पहला जो सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या जिसको अपने कहा परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, यहाँ पे पूर्ण होता है। धन्यवाद।